नीमच में आयोजित होने वाले निशुल्क स्वास्थ्य मेले के पीटे जा रहे थे ढोल, लेकिन आज जब आयोजन हुआ तो खुल गई कई सारी पोल। कई काउंटरों पर महिला और पुरुष की एक ही लाइन नजर आ रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। गर्मी से लोग बेहाल होते नजर आ रहे थे। सोनोग्राफी कक्ष में डॉक्टर के यहाँ तो पंखा चल रहा था, लेकिन ये पत्रे के नीचे तपती धूप में एक बीमार बच्चे को लेके बैठी महिला बिना पंखे के गुहार लगा रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। मीडिया ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर डॉक्टर साहब आए और पंखे भी चालू हुए, पंखे बंद कर रखे थे और भरी गर्मी में तपती धूप में ये बच्चे को लेकर बैठी महिला के दृश्य बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब देखो बच्चा आईसीयू में से आया, वो देखो पंखा भी नहीं चल रहा है। क्या आईसीयू में था बच्चा? तो क्या सोनोग्राफी करानी है? क्यों देर क्यों लग रही है? आप तो डॉक्टर साहब को बुलवाइए, सोनोग्राफी हो जाए जल्दी इनकी। मैडम कब तक आएंगे डॉक्टर? एक बच्चा आईसीयू में से आया, बाहर पंखा भी नहीं चल रहा है और बच्चे की हालत सीरियस है, आईसीयू में से आया है। डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं क्या? आधी घंटा तो मैडम मेरे को हो गया आपके सामने पूछता। अब देखो बच्चा आईसीयू में से आया, वो देखो पंखा भी नहीं चल रहा है। आप तो डॉक्टर साहब को बुलवाइए, सोनोग्राफी हो जाए जल्दी इनकी। एक और शर्मनाक दृश्य देखिए, यहाँ पर यूरिन की जांच कर रहे थे पैथोलॉजी वाले, यहाँ पर भी पंखा नहीं है। उधर कूलरों के बीच में भाषण चल रहे थे, वावाई पीटी जा रही थी, लेकिन ये कर्मचारी भरी गर्मी में बिना पंखे के यूरिन की जांच करते नजर आए। आखिर क्यों नहीं पंखे लगे और क्यों ऐसी व्यवस्थाएँ इस पूरे यहाँ जो आयोजित किया गया कैंप उसमें नजर आई। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस जांच लैब में ये कर्मचारी भरी गर्मी में बिना पंखे के, पंखा तो है ही नहीं, बंद तो छोड़ो, उसमें सिर्फ पोल लटक रहा है। इस निशुल्क कैंप में साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड और वाहन पर पैसे वसूले जा रहे थे, जबकि आज सब कुछ निशुल्क होना था, क्योंकि ये निशुल्क स्वास्थ्य मेला था और काफ़ी संख्या में लोग आए। तो उनसे साहिब मोटरसाइकिल स्टैंड पर पैसे क्यों वसूले जा रहे थे? मंत्री, प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर थे, जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं दिखवाती हूँ आखिर कैसे पैसे वसूले जा। आज इस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता होगी उस अस्पताल में भेजकर उनका पूरा। मैडम ये निःशुल्क पूरा, बाकी साइकिल स्टैंड पर आज लोगों के पैसे लग रहे हैं, ये भी निःशुल्क करना था आज? साइकिल स्टैंड ये आज इस पर शुल्क लिया जा रहा है लोगों से, आज निःशुल्क होना था जब पूरा ये देख ली। ऐसा नहीं है वो यदि व्यवस्थाओं में होगा कि किसी के पास ठेका है वो तो शुल्क। नीमच के ट्रामा सेंटर भी बेहाल से बदहाल दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी पंखों की व्यवस्था नहीं थी। भरी गर्मी में लोग कोई लाइन में खड़ा था तो कोई बैठा नजर आ रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड जरूर व्यवस्था संभालते नजर आ रहे थे, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे लोगों को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। क्या पहले से व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लिया गया? ऐसी व्यवस्थाओं का आखिर कौन जिम्मेदार है? इस तरह के आयोजन और मेलों में क्या पहले से व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लिया जाता है कि कितने लोग आएंगे और कैसी व्यवस्था रखी जाए? कई लोग भटकते नजर आए, कोई ट्रामा सेंटर जा रहा था तो किसी को पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा जा रहा था, कुछ लोग अनजान थे इधर से उधर भटक रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे, आखिर कौन है इन सब का जवाबदार? दूसरे दिन देखना है कि कितना हाल से बेहाल नजर आते हैं या कुछ व्यवस्थाएं सुधरती है। पुलिस पंचायत के लिए संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट। क्या कुछ बताएंगे सर?
मैडम, आज स्वास्थ्य मेले के 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय नीमच में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला है। यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं देखी गई है, कई जगह पंखे नहीं है और जो जांच करने वाले सोनोग्राफी के वहाँ पर उपस्थित नहीं है, डॉक्टर लोग बाहर भीड़ लग रही है। ऐसे में आप क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया और क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जस्ट मैं अभी इंटर हुई हूँ यहाँ पर, अभी मैं केवल रजिस्ट्रेशन ही देख पाई हूँ, आईसी के स्पॉन्सर पर हूँ और मैं अभी वहाँ का भी विजिट करूँगी, मैं देख लेती हूँ क्या कमियाँ हैं, उसके हिसाब से उनकी पूरी सीमेच और सिविल सर्जन द्वारा पूरी करनी चाहिए। मैडम, ये जांच पहले से सब व्यवस्थाएं होनी थी, मैं देख लेती हूँ कि क्या कमियां हैं, तो उनकी व्यवस्था भी बिल्कुल पूरी हो जाएगी अभी।